अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर अक्सा, एंड टुडे वी विल डिस्कस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। बुक के पेज नंबर 97 पे आज का टॉपिक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अ टेलीस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नीफाइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार्स एंड प्लैनेट्स। हम फिगर 12.36 में देख सकते हैं, हमारे पास एक टेलीस्कोप है। इस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम स्टार्स और प्लैनेट्स को देख सकते हैं। लाइक अ माइक्रोस्कोप, अ टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस दैट फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड एन आई पीस ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्युलर इज यूज टू व्यू दिस रियल इमेज। अब बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह जो हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में भी हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत फार एक ऑब्जेक्ट है, उसका हमारे पास यहाँ पे एक रियल इमेज बनाता है जो कि इन्वर्टेड होता है, ठीक है। और इस रियल इमेज को देखने के लिए यहाँ पे एक आई पीस भी होता है, आई पीस लेंस भी होता है, जिससे हम इस रियल इमेज को देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रे डायग्राम है टेलीस्कोप के लिए। Since the object is far away, the angular size seen by the unaided eye is nearly the same as the angle subtended, theta subtended at the objective of the telescope as shown in figure 12.37. अब distant object पे, बहुत दूर हमारे पास एक object पड़ा है, उसके tip से हम कहते हैं कि हमारे पास rays आ रही हैं, तो जिस angle से ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है और ये एंगल जो हमारे पास यहाँ बन रहा है, हम कहते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस पे ये ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इमेज बनाता है, और ये फर्स्ट इमेज जो है आई पीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है, ठीक है, जिसे आई पीस मैग्नीफाई करता है, और ये इन्फिनिटी पे जाके हमें कहीं मिलता है। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लेंथ ऑफ द ट्यूब भी बोलते हैं। और दूसरी बात जो है, मोर ओवर थीटा इज ऑल्सो द एंगल सब्सटेंडेड बाय द फर्स्ट इमेज, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू माइनस एच आई बाय एफ ओ। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमारे पास टेंजेंट थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर साइड है और ये हमारे पास बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास जो है एच आई और बेस हमारे पास एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये इतना यहाँ से यहाँ तक जो है जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला में पुट किया, लेकिन स्मॉल थीटा के लिए हम कहते हैं कि टेंजेंट थीटा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है थीटा के, तो हम सिर्फ कह रहे हैं कि बस थीटा इक्वल्स टू माइनस एच आई बाई एफ ओ, वेयर एच आई इज़ द हाइट ऑफ द फर्स्ट इमेज एंड एफ ओ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अ माइनस साइन हैज़ बीन इंसर्टेड इन टू दिस इक्वेशन बिकॉज द फर्स्ट इमेज इज इन्वर्टेड रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज हाइट एच आई इज़ अ नेगेटिव नंबर। अब इसमें नेगेटिव साइन हमने इसीलिए पुट किया है कि जो हमारे पास इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड है, जो फर्स्ट इमेज हमारे पास बन रहा है वो इन्वर्टेड है, और एच आई भी नेगेटिव नंबर ही दे रहा है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज 98 पे हम आते हैं। एज इन द माइक्रोस्कोप द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस विच इज़ बेसिकली अ मैग्नीफायर। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव से जो फर्स्ट इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का, वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है आई पीस के लिए, जो बेसिकली इसको मैग्नीफाई करता है। दस इफ़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस इट विल फॉर्म एन इमेज दैट इज एट इन्फिनिटी एज इंडिकेटेड इन फिगर 12.37। हम कहते हैं कि हमारे पास फार ऑब्जेक्ट कहीं पड़ा है, उसकी वजह से जो इमेज बन रहा है वो आई पीस के फोकल लेंथ पे बन रहा है, ठीक है। तो अब चूँकि फोकल लेंथ पे बन रहा है, तो इस इमेज, ये जो इमेज है फर्स्ट इमेज, ये आई पीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। और जो हमारे पास फाइनल इमेज बनेगा वो कहीं जाके इन्फिनिटी पे जाके हमें दिखाई देगा। इन दिस कॉन्फिग्रेशन द ऑब्जर्वर कैन व्यू द फाइनल इमेज ऑफ द टेलीस्कोप विद अ कम्प्लीटली रिलैक्स्ड आई। मतलब आराम से जो है ऑब्जर्वर जो है फाइनल इमेज को देख सकता है। द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय द आई पीस इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा डैश इक्वल्स टू एच आई डिवाइडेड बाय एफ ई। अब हम इस एंगल को लेते हैं जिसको हम थीटा डैश का नाम दे रहे हैं, और वही बात कि टेंजेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन इस एच आई के इक्वल है, तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे एक एरो को ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास आ गया एच आई, और बेस हमारे पास आ गया ये डिस्टेंस,
जो कि हमारे पास आई पीस का फोकल लेंथ भी है। तो हम एफ ई लेते हैं और स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम बोलते हैं कि टेंजेंट थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू एच आई बाई एफ ई के इक्वल हमने ले लिया। ठीक है, to find the total angular magnification of the telescope we consider the definition of angular magnification as m theta equals to theta prime by theta। अब पेज नंबर 91 पे हमने एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में ये फार्मूला स्टडी किया था कि हमारे पास टोटल एंगुलर मैग्नीफिकेशन थीटा डैश डिवाइडेड बाई थीटा के इक्वल है। तो हम इक्वेशन 1 की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। थीटा डैश की वैल्यू हमारे पास ये है एच आई बाई एफ ई, और जो थीटा की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से हमने माइनस एच आई बाई एफ ओ पुट की। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच आई बाई एफ ओ डिवाइडेड बाई माइनस एच आई बाई सॉरी ये एफ ई है और ये एफ ओ है, तो हम कह सकते हैं कि एच आई बाई एफ ई मल्टीप्लाई बाई एफ ओ डिवाइडेड बाई माइनस एच आई। तो एच आई कैंसिल हो गया और हमारे पास माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई एंगुलर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई टेलीस्कोप के लिए। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन की ये वैल्यू आई है इक्वेशन 12.14। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।